सभी फ्यूचर मेडिकल और पेरेंट्स को वेद प्रकाश बेनीवाल का नमस्कार। जैसा कि हमने पुराने दो वीडियोस में बताया था एफएमजी 2002 एक्ट के बारे में और एफएमजीएल 2021 एक्ट के बारे में, अब हम आपको कंपैरिजन करके बताएंगे कि जो 2002 एक्ट के तहत जो बच्चे पढ़ रहे हैं यानी 18 नवंबर 2021 से पहले जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन हो चुका है या जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उन पे क्या नियम लागू होगा, और जो स्टूडेंट 18 नवंबर के बाद एडमिशन लिया है और जिनके ऊपर ये एफएमजीएल 2021 एप्लीकेबल होगा उन दोनों में क्या असमानताएँ हैं या क्या समानताएँ हैं, क्या डिफ्रेंसेज हैं या क्या जो सिमिलरिटीज़ हैं, वो हम आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। सारे कंफ्यूजन आपके जितने भी डाउट्स हैं हम सब क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फिर भी हम कोई चीज़ मिस कर जाएँ तो आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले कोर्स ड्यूरेशन, जब एफएमजी 2002 एक्ट था उस टाइम ऐसा कोई कोर्स ड्यूरेशन की लिमिटेशन नहीं थी या ऐसा नहीं था कि 54 मंथ्स में आपको करना है या 6 इयर्स में आपको करना है, ऐसा उसमें कुछ भी नहीं था। वेयरएज एफएमजीएल 2021 में कोर्स ड्यूरेशन मैंडेटरी है, 54 मंथ से कम की नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में दिया गया है कि जो आपका लाइसेंस रजिस्ट्रेशन है, एफएमजी 2002 एक्ट में क्या था कि जो स्टूडेंट एब्रॉड के ऐसे किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है जिसकी डिग्री उस कंट्री में वैलिड है वो इंडिया में वैलिड होता था। ये इंडियन एम्बेसी के द्वारा कंफर्म किया जाता था जब अपोस्टल होती थी डिग्री तब। एफएमजीएल 2021 में एक बदलाव लाया गया है कि जो स्टूडेंट या तो वहाँ रजिस्टर्ड होना चाहिए या वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए, और उसकी डिग्री 8 पार होनी चाहिए लोकल स्टूडेंट के जैसी। जैसे भी कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इन सब कंट्रीज़ में क्या था, 6 इयर्स की एमडी की स्टडीज़ कराई जा रही हैं लोकल स्टूडेंट्स को, लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स को 5 इयर्स में पढ़ा के भेज दिया जाता था और उनको किसी को अलग अलग नाम से डिग्री दी जाती थी। कोई MBBS लिखते थे, कोई कुछ लिखते थे, सबका अलग था। अब वो नहीं चलेगा। इसके अलावा जो इंटर्नशिप थी अब्रॉड में 2002 एक्ट के तहत, उसमें नेपाल, बांग्लादेश, चाइना और फिलीपींस 4 ऐसी कंट्रीज़ थी जिनको इंटर्नशिप वैलिड थी, और आपने यदि इन कंट्रीज़ से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है और आप इंडिया आते हैं तो आपको एफएमजी पास करने के बाद दोबारा इंटर्नशिप करने की नीड नहीं थी। वेयरएज एफएमजीएल 2020 एक्ट में आपको इंटर्नशिप यदि आपने अब्रॉड में किए तो इंडिया में भी करना पड़ेगा, यानी आपकी 1 साल अब बढ़ जाएगी। इसके बाद में एफएमजी 2002 एक्ट में ऐसा कहीं भी नहीं था कि आपको डिग्री कितने टाइम में कंप्लीट करनी है, यानी कि जैसे आपने 2010 में एडमिशन लिया है तो वो डिग्री आप 2015 में कंप्लीट करें, 18 में करें, 20 में करें, ऐसी लिमिटेशन उस टाइम नहीं थी। लेकिन अभी जो एफएमजीएल 2021 है इसमें डेट ऑफ एडमिशन, जिस दिन आपने एडमिशन लिया है उससे 10 साल के अंदर आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट और इंटर्नशिप के बारे में कहीं मेंशन नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों ने भ्रामक वीडियो बनाए हैं जिन्होंने कहा कि आपका नेक्स्ट भी पास होना चाहिए, आपकी इंटर्नशिप भी पास होनी चाहिए। नहीं, हाँ एफएमजीएल में ये ज़रूर है कि जब आप अपना नेक्स्ट पास कर चुके हैं तो आपको विदिन 2 ईयर्स आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेनी है, ये उसमें क्लोज है। इसके अलावा एफएमजी 2002 में आप चाहे रशियन में पढ़ के आए हैं, चाहे चाइनीज़ में पढ़ के आए हैं, चाहे अरबी में, फ़ारसी में, कोई लैंग्वेज का रिस्ट्रिक्शंस नहीं था। वेयरएज एफएमजीएल 2021 में आपको सिर्फ इंग्लिश मीडियम एजुकेशन ही लेना है। इसके बाद एफएमजी 2002 एक्ट में कुछ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की परमिशन से ट्रांसफ़र लेने की परमिशन थी, आप ट्रांसफ़र ले सकते थे, और एफएमजीएल 2021 में आप ट्रांसफ़र्स नहीं ले सकते। आपने जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है आपको अपनी कंप्लीट स्टडीज़ उसी इंस्टीट्यूशन से पूरी करनी है, इंटर्नशिप भी आपको वहीं से करनी है। इसके बाद में कॉमन पॉइंट जो इन दोनों में आया है एफएमजी 2002 और 2021 दोनों में, वो ये आया ऑनलाइन क्लासेस को लेके। एफएमजीई 2002 एक्ट और एफएमजीएल 2020 एक्ट दोनों में ही एक ही चीज़ बताई गई है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो फॉरेन में पढ़ रहे हैं इंडियन स्टूडेंट, उनकी ऑनलाइन डिग्री वैलिड है और उनकी ऑनलाइन क्लासेस भी वैलिड हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, थ्योरेटिकल क्लासेस वैलिड हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस जो आपने मिस की हैं लास्ट 1 या 1.5 ईयर में, वो सब आपको वापस जब आपकी ऑफलाइन स्टडीज़ रिज्यूम हो जाएंगे तब आपको जाके पढ़ना है, और आपको जो भी यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल है या यूनिवर्सिटी का अटैच हॉस्पिटल है वहाँ पे आपको जितना प्रैक्टिकल्स आपके मिस हुए हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं, और उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट भी लेना है कि ये प्रैक्टिकल्स हमने तय समय पर कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद 2002 में क्या था, बहुत एक गफलत थी। जब तक एमसी रजिस्ट्रेशन करती थी तब तक सब क्लैरिटी थी, लेकिन जब से स्टेट काउंसिल्स को परमिशन मिली तो हर स्टेट काउंसिल में अलग अलग कन्फ्यूज़न थे, सबके डिलेमा थी, तो किसी को रजिस्ट्रेशन मिल जा रहा था किसी को नहीं मिल जा रहा था। लेकिन जो एफएमजीएल 2021 एक्ट है उसमें बहुत क्लियरली एक चीज़ मैंशन की गई है कि इंटर्नशिप, क्लर्कशिप और जो आपकी क्लिनिकल रोटेशंस हैं वो इंटर्नशिप नहीं है। 54 मंथ्स के अंदर जो आपकी क्लिनिकल रोटेशंस आती हैं वो आपकी एजुकेशन का पार्ट है, और इंटर्नशिप आपकी ये एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद होनी चाहिए। इसलिए जैसे कि हमने बहुत सी वीडियोस में बोला था कि जो स्टूडेंट्स फिलीपींस में स्टडी कर रहे हैं और जिनकी फोर्थ ईयर की क्लर्कशिप को बता के कंसल्टेंट एडमिशन दिला रहे हैं, वो क्लर्कशिप है और वो आपकी एमडी डिग्री का पार्ट है। यदि आप ये 4 साल की एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं तो उसके बाद वहाँ 1 साल की पोस्ट स्टडीज़ के बाद 1 साल की इंटर्नशिप की जाती है, जिसको आज तक छुपाया जा रहा था। लेकिन अब यही कंसल्टेंट आप देखिएगा, आपको बोलेंगे कि वहाँ पे यदि 4.5 ईयर कर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन को तो वो BS प्लस MD प्लस अभी ये लोग इंटर्नशिप भी ले आएंगे, जबकि अभी तक इन सभी का स्टेटमेंट ये था कि वहाँ इंटर्नशिप नहीं होती है। चलिए ठीक है, देखते हैं कौन अब क्या आगे अपडेट्स आती हैं। बाकी हमारे पास ऐसी और कोई अपडेट आई तो हम आपके साथ जरूर शेयर करना चाहेंगे। फिर अभी यदि हमने कोशिश की है कि हम सारे कन्फ्यूजन क्लियर करने की कोशिश करें, लेकिन उसके बाद भी यदि कोई डाउट आपके मन में बचते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।